हाय एवरीवन, तो चलिए आज आपको ऐसे चार चटपटे नाश्ता बनाना बताती हूँ जो कि आपके त्योहारों में लगा देंगे चार चांद, यानी त्योहारों को बना देंगे और खास और किचन के काम से मिलेगी आपको छुट्टी, नाश्ता बनाने की झंझट खत्म हो जाएगी और आप इन नाश्ते की तैयारी कम से कम एक या दो दिन पहले करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चार मज़ेदार नाश्ते की प्रोसेस। तो सबसे पहले हम बनाएंगे गेहूं के आटे और उबली हुई आलू का ये नाश्ता। तो यहाँ बॉईल की हुई दो आलू लेना है और बिल्कुल महीन वाले इस तरह से कद्दूकसनी से कद्दूकस कर लेना है। अब यहीं एक कटोरी ये आलू का मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ भुने हुए जीरा, सौंफ और धनिया को भून के बिल्कुल महीन पीस लेना है। लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और कलर के लिए यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच ऐड कर देंगे। साथ ही नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे और एक चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। बारीक कटी हुई हरी धनिया और हरी मिर्च ऐड करके बस इसको मिक्स करना है और इस तरह से एक चटपटा सा आलू का मसाला बना लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ मैंने एक बर्तन में एक बड़ा कप यहाँ गेहूं का आटा लिया है। नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है, चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, अजवाइन ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही यहाँ भुने हुए जीरा ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। मोहन के लिए एक से दो चम्मच तक रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और अब इसको मिक्स करने के बाद ना इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके और रोटी या पूड़ी की तरह आपको इसका डो बना लेना है। बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगा के और नीडिंग कर लीजिएगा। अब इस तरह से ये आटा लेते हैं और इसकी एक बड़ी सी लोई कट कर लेते हैं। लोई को इस तरह से प्लेटफॉर्म में तेल लगा के या आप किसी चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के हाथ से इस तरह से फैला लेना है या आपको बेलन से बेल लेना है। तो इस तरह से बेलने के बाद हम यहाँ आलू का मसाला ऊपर से फैला देंगे और इसी तरह से यहाँ लाल चटनी या सेजवान चटनी को एक या डेढ़ चम्मच इस तरह से फैला देना है। अब इसको हाथ से इस तरह से रोल करना है। ये देखिए, इस तरह से रोल करने के बाद ना इसको अच्छा सा एक शेप दे देना है और अब यहाँ इस तरह से मैं चकले के ऊपर रख के और एक धारदार चाकू से इस तरह के इसके शेप कट कर लेना है, जिससे कि इसमें बहुत सारी लेयर दिखाई देती हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से हाथ से थोड़ा सा इस तरह प्रेस करके ना और इसको हल्का सा चपटा शेप दे देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ मैंने एक बोल में दो चम्मच आटे का घोल लिया है। इसमें नमक, हरी धनिया, थोड़ा सा मिर्च वगैरह ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इस टिक्की को इसमें डिप करना है और तेल में डाल के इसको सेलो फ्राई या डीप फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ इसको सेलो फ्राई करती हूँ। इस तरह से ऐड कर देना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम ही रखना है। धीमी धीमी आंच में इनको उलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है। इसको तब तक सेकना है जब तक ये क्रंची नहीं हो जाते और साथ ही इनका अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो इस तरह से सिकने के बाद, मतलब इनको फ्राई करने के बाद, अब चलते हैं इसको सॉस या हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये हमारा उबली हुई आलू और गेहूं का नाश्ता बनके रेडी हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा चटपटा है, बनाने में बहुत आसान है। आप इसको एक या दो दिन पहले तैयारी करके और जब खाना हो गर्म गर्म फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दो कच्चे आलू के नाश्ते बनाना। तो यहाँ ये दो तरह के नाश्ते बनाएंगे एक ही प्रोसेस से। तो यहाँ लेना है दो कच्चे आलू, इसका छिलका अलग करना है। बोल में थोड़ा सा पानी भी ले लीजिएगा और अब यहाँ इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। बिल्कुल महीन वाले छेद से इसको कद्दूकस करना है। तो पहले हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। तो जैसे ही आलू ये कद्दूकस हो जाता है तो इसको एक दो बार पानी में अच्छे से धुल लीजिएगा, इसका स्टार्च हटा देना है। अब इस तरह से इसको निचोड़ लेना है और एक अलग बर्तन में रख लीजिएगा। तो इस तरह से आलू का पानी हटाने के बाद हम यहाँ एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई को पहले गर्म कर लेंगे, यहीं लगभग दो चम्मच तेल गर्म करेंगे, यहीं थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, साथ ही यहाँ एक बड़ी कटोरी सफ़ेद तिल ऐड करना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करना है। इनको अच्छे से पका लेंगे। यहीं कद्दूकस की हुई आलू ऐड करेंगे और साथ ही यहाँ आधा कप तक पानी ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है, बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल के इसको पका लेंगे। एक मिनट के लिए ही पकाना है। एक मिनट बाद ना चेक कर लीजिएगा, आलू बहुत जल्दी पक जाता है। पकने के बाद यहाँ चुटकी भर हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, अमचूर पाउडर या चाट मसाला ऐड करना है, हल्का सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ऐड करना है और अब इसी के साथ यहाँ एक कप तक गेहूं का आटा ऐड करेंगे। बस इसको इस तरह से मिक्स करना है। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से डो रेडी हो जाता है कढ़ाई के अंदर ही। अब इसको थाली में लेना है, इस तरह से बड़े बर्तन में थोड़ा सा तेल लगा के इसकी नीडिंग और कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से डो रेडी होने के बाद हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम इसके दो नाश्ता बनाएंगे। इस तरह से एक बड़ी सी लोई कट कर लेना है। ये देखिए, इतनी पर्याप्त है। अब इस तरह से लोई बनाने के बाद ना इसको रोटी की तरह बेल लेना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से थोड़ा सा बेल लिया है और ऊपर से थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऐड कर देंगे। इसे फ्राई करने के बाद बहुत क्रंची हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से अब बड़ी सी रोटी इसकी बेल लेना है।
अब एक धारदार चाकू लेते हैं और इसके ये चारों साइड्स इस तरह से कट कर लेते हैं। इस तरह से कट करने के बाद ना इसका एक चौकोल शेप आ जाता है, ये देखिए। अब हम इसको ना चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और फिर इसके बाद अब इसको आठ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से ये तिकोना शेप हो जाता है, देखने में भी अच्छा लगता है, ये देखिए। अब इसी तरह से आप बना के रख लीजिए। तो अब मैंने ये रेडी कर लिया है, तेल गर्म करने के लिए रख दिया है साइड में। और चेक करते हैं, तेल भी गर्म हो गया है। यहाँ थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। अब इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है डाल के, और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा, धीमी धीमी आँच में ही इसको फ्राई करिएगा। इससे एक परफेक्ट कलर भी आता है, साथ ही ये अच्छे से पक जाते हो और काफ़ी टाइम तक कुरकुरे रहते हैं। तो इस तरह से आप ये नाश्ता ना कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं तो आप इसको बना के इस तरह से रख सकते हैं। ये एक हफ्ते तक आराम से कुरकुरा रहता है। तो आप इस तरह से ये देखिए पका लेना है, ये परफेक्ट कलर भी आ गया और बहुत क्रंची भी हो गया, बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस तरह से आप बना के किसी के भी सामने आप सर्व कर सकते हो। देखने में अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी और चटपटा है। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद हम चलते हैं इसको सॉस और चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो ये हमारा एक नाश्ता बन के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं इसके बाद इसी बचे हुए आटे से दूसरा नाश्ता बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो डो बचा हुआ था ना, एक इस तरह से एक साइज का बनाने के लिए मैंने एक चम्मच लिया हुआ है, और इस तरह से इसका डो ले लेंगे और अब इसके बॉल्स बना लेने हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स बनाइएगा, क्योंकि फ्राई होने के बाद वैसे ही थोड़े बड़े हो जाएंगे, साइज बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से पहले ये बॉल्स बना के रख लेना है, ये देखिए। और अब चलते हैं तेल में इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो अभी तेल गर्म है और अब ना गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और इनको भी धीमी धीमी आँच पे फ्राई करना है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है और अब चलते हैं इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए तेल ना मीडियम गर्म है, गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब इनको भी धीमी धीमी आंच में फ्राई कर लेते हैं। इसका भी बहुत अच्छा कलर आता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी, मतलब वैसे ही चटपटा टेस्ट आता है। तो ये इस तरह से कलर जैसे हो जाते हैं, बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है, हम इनको सर्व करते हैं चटनी या सॉस के साथ। तो ये हमारा ये तीसरा नाश्ता भी बन के रेडी हो गया। अब हम लास्ट और चौथा नाश्ता आपको बताते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए एक बोल में एक कप बेसन लेंगे, चुटकी भर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार ऐड करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं, पानी ऐड करके इसका घोल बना लेना है। इस तरह से ये देखिए पतला सा घोल बनाना है। अब इसमें हम एक चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, दो चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करना है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए घोल बन के रेडी हो गया है। यहीं हमें लेना है अरबी के पत्ते, ये बिल्कुल ताज़े ताज़े से अरबी के पत्ते इस तरह से धुल के और मोड़ के ना बिल्कुल महीन से कट कर लेना है। कट करने के बाद इसी बोल में हम ऐड करेंगे और अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद ये परफेक्ट घोल बन जाता है। यहीं लास्ट में लेमन जूस ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने इस तरह से स्टील की एक गिलास ली हुई है और अब इसमें अच्छे से तेल लगा लेते हैं। अब इस पेस्ट को इसमें पलट लेंगे, ये देखिए। और ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो मैंने एक छोटी सी गिलास में इसको पलट लिया। अब यहाँ कुकर या किसी बड़े बर्तन में पानी गर्म कर लेना है और अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच में पकने देंगे। 10 मिनट बाद कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, इसको नाइफ से चेक कर लीजिए। अब ये ठंडा होने के बाद इसको गिलास से अलग कर लेना है। थोड़ा सा सफ़ेद तिल ऊपर से ऐड करेंगे, इस तरह से रोल करना है और अब इसके पतले पतले से स्लाइस कट कर लेना है। ये देखिए ये भी नाश्ता देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसको भी आप हफ्ते भर स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको कढ़ाई में डाल के तेल में फ्राई कर लेना है। आप इसको सेलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका एक अच्छा सा कलर आ जाता है और ये बहुत कुरकुरा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये फटाफट चार तरह के चटपटे नाश्ते बन के रेडी हो जाते हैं। आप इसे हफ्ते भर स्टोर करके रख भी सकते हो और एक दो दिन पहले बना के भी रख सकते हैं।